पृथ्वी शॉ ने देश में क्रिकेट के सबसे बड़े घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी में जबरदस्त पारी खेली है। मुंबई के लिए ओपनिंग करते हुए पृथ्वी शॉ ने गुवाहाटी में असम के खिलाफ हुए मुकाबले में 383 गेंदों में शानदार 379 रन बनाए हैं। ये भारत के लगभग 90 साल के फर्स्ट क्लास क्रिकेट के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी इंडिविजुअल पारी है। इससे पहले महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए काठियावाड़ के खिलाफ बाबू साहेब अमालकर ने 443 रन की पारी खेली थी, जो कि 1948 में खेली थी। लेकिन दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड बीसीसीआई को अब तक पृथ्वी शॉ की हर फॉर्मेट में लगातार टॉप क्लास इनिंग्स दिखाई नहीं दिए। हर फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी पृथ्वी शॉ को भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है। वो भारतीय टीम से अब भी बाहर है। देखिए ये रिपोर्ट। टीम इंडिया में जगह ना मिलने से क्या निराश है पृथ्वी? शानदार प्रदर्शन के बाद भी क्यों है भारतीय टीम से बाहर? क्या पृथ्वी को है टीम इंडिया के कॉल का इंतजार? क्या पृथ्वी को टीम इंडिया में सिलेक्शन ना होने से निराशा होती है? ये सवाल पूछे जाने पर पृथ्वी कहते हैं, कभी कभी निराश होता हूं। आपको पता है कि आप सही तरीके से काम कर रहे हैं और आप अपने करियर और मैदान से बाहर भी अनुशासन में रहते हैं, पर कई बार लोग आपको अलग तरीके से बात करते हैं। लोग जो आपको जानते तक नहीं, वो आपके बारे में फैसले सुनाते हैं। आपको बता दें कि 23 साल के पृथ्वी शॉ ने जुलाई 2021 के बाद भारत के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। इस दौरान उन्होंने मुश्किल वक्त का सामना किया, जिसमें उन्होंने शायद पहले से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बना दिया है। अब शायद वो वाकिफ है कि कौन उनके शुभचिंतक हैं और कौन उनके वेलविशर्स नहीं हैं। टीन एज में सचिन तेंदुलकर के बाद टेस्ट शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी कहते हैं कि जब मैं खराब दौर से दो चार हो रहा था, तब जिन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, उन लोगों की मैं परवाह नहीं करता। मैं ऐसे लोगों को इग्नोर करना पसंद करता हूं और मेरी समझ में यही सबसे अच्छी पॉलिसी भी है। साल 2021 में टीम इंडिया से बाहर होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था। इससे पहले उन्हें परेशानी होती थी, पर अब शॉ इसकी परवाह नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं सोशल मीडिया पर हूँ, लेकिन सारे पोस्ट मेरे मैनेजर करते हैं। दरअसल मैं नहीं देखता कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। मैं खुद को इन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं सही तरीके से काम कर रहा हूँ, तो इस तरह के दिन बार बार आएंगे। लेकिन बीसीसीआई ने अब तक भी पृथ्वी के शानदार प्रदर्शनों को क्यों नहीं देखा है और टीम इंडिया में प्लेइंग 11 के सिलेक्शन से क्यों दूर रखा है? इस सवाल का जवाब तो बीसीसीआई दे सकता है, लेकिन पृथ्वी शॉ लगातार रन बना रहे हैं और किसी भी दिन उन्हें टीम इंडिया का कॉल शायद मिल सकता है। हम तो ऐसी ही अटकले लगाएंगे। क्या वो सच में ऐसी ही किसी कॉल का इंतजार भी कर रहे हैं? इस सवाल पर उनका कहना है कि मैं इस बारे में सोचता तक नहीं कि मुझे टीम इंडिया के लिए कॉल आएगा। मैं सिर्फ अपनी चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादा दूर की नहीं सोचता हूँ। मैं सिर्फ आज में जीने वाला इंसान हूँ। मैं फिलहाल मुंबई के लिए खेल रहा हूँ और रणजी ट्रॉफी जीतना ही मेरा लक्ष्य है। गोंद स्याह, जोड़ों के दर्द का प्राकृतिक इलाज। गोंद मोरिंगा, चमकती त्वचा और सुंदर घने बालों का राज।